हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IFAS। माई सेल्फ अंशु, योर कॉमर्स एजुकेटर। लर्नर्स, आज के सेशन में हम लोग अपना जो बजट आया है 2024 का, इसके बारे में समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या नई चीज़ें जो हैं बजट के अंदर ऐड हुई हैं और क्या पुरानी एज यूजल चीज़ें जो है वो दी गई हैं। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल पर हम लोग UGC नेट सेट और वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी जो है वो करते हैं अपने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए बजट को जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम बजट वर्ड की अगर हम बात करें, तो ऐसा जो बजट है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई वर्ड जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। बेसिकली बजट की जगह पर डिफाइन किया गया अपना एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये होता क्या है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, या फिर बजट अपना क्या होता है? तो नॉर्मल शब्दों में अगर हम बात करें तो हमारा कितना खर्चा है, कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ पे हम खर्च करेंगे, ये सब चीज़ का जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपना बजट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपना लगभग यही इसको हम समझ सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे कंसोलिडेटेड फंड से, इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो कोष है, वहाँ से पैसा निकालने के लिए बेसिकली पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, और इसी अप्रूवल लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो बजट लेकर के आती है। चलिए, तो आज के सेशन में पूरा हम लोग बजट का सार समझेंगे, ओवरऑल जो 2024-25 में गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंसेस हैं, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास सोर्सेस हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस बार का जो बजट है अपना वो इंटरिम बजट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं डिफरेंस की इंटरिम बजट और फुल बजट के अंदर में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरिम बजट बेसिकली हमारा इलेक्शन होने से पहले जो बजट आता है, दैट इज कॉल्ड अपना इंटरिम बजट, और बेसिकली ये अपना टेम्प्रोरी बजट जो है वो होता है, ठीक है। इलेक्शन हो जाएगा अपना, उसके बाद अपना फाइनल बजट जो है वो आएगा, ठीक है, जिसके अंदर में पूरे ईयर तक में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होने वाले, जो भी कहा जो सोर्स है, वो सब उसके अंदर प्रॉपरली अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना इंटरिम बजट जो है वो कोई काम का नहीं है, बेसिकली यही अपना बेस रहेगा हमारे फुल बजट को लेकर के। अब देखो, अपना चुनाव होने वाला है, और फाइनेंशियल अपना जो ईयर होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। देखो, अभी के हमारी गवर्नमेंट है, आराम से अपना खर्चा चल रहा है, एक अप्रैल 2023 से लेकर के 2024 तक तो खर्चा अपना चलेगा। उसके बाद सरकार बनेगी है ना, तो जून जुलाई तक अपना जो टाइम इसमें लग जाएगा सरकार बनना और नई सरकार को आने तक में, तो जो अपने जो महीने हैं बीच के जो बच गए अपने 2-3 महीने, इस महीनों में खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो इसी चीज़ के लिए अपना इंटरिम बजट जो है वो लाया गया है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि इतना पैसा मुझे चाहिए, इसी जगह से पैसा जो है वो आए, ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें फुल बजट की अपना, तो फुल बजट जो बनाया जाएगा, तो इसी अपने इंटरिम बजट के बेस पर, मतलब जो हमारा इंटरिम बजट है एज इट इज ये रहेगा, और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो कर दिए जाएंगे जो गवर्नमेंट को जरूरत लगेगा, उसके बाद अपना फुल बजट जो है वो बना दिया जाएगा। तो चलिए अपने इस बजट के, इंटरिम बजट और फुल बजट के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो अपना इंटरिम बजट होता है, इसको हम लोग टेम्प्रोरी बजट जो है बोलते हैं, जो कि हमारे जनरल इलेक्शन से पहले कंडक्ट जो है वो कराया जाता है, और बेसिकली ये प्रेजेंट जो होता है अपना, जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अपना इंटरिम बजट। और वहीं अगर हम फुल बजट की बात कर ले, तो द फुल बजट इज एन एनुअल बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये अपना एनुअल बजट होता है ना, तो गवर्नमेंट 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, या जितना भी खर्चा करने वाली है, जो भी उसके सोर्स हैं, है ना, सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सबको बताती है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, उसी के बाद अगर हम बात करें, तो द इंटरिम बजट इज वैलिड फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि अपना जो 2-3 महीने का जो पीरियड है, इलेक्शन तक का जो पीरियड है, उस समय तक, और उसके बाद फिर बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, अपना जो फुल बजट है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, लाइक अपना अराउंड जून जुलाई के आसपास में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, तो अपना जो फुल बजट है पूरा बनेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना चलते रहता है, ठीक है, और ये फरवरी के समय में जो अपना 1 फरवरी को प्रेजेंट जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, तो गवर्नमेंट को जो भी खर्चे करने हैं ना, इलेक्शन अपना चलता रहेगा, बीच में 2 महीने का गैप मिलेगा, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इस बजट का, जो इंटरिम बजट का यूज करती है, ठीक है। और फुल बजट अपना डिटेल फाइनेंशियल ईयर में जो भी पॉलिसीज में चेंजेस होने वाले हैं, जो भी रोड मैप है, जो भी खर्चे, जो भी इनकम है, उन सबको बताया जाता है। और इंटरिम बजट में भी एज इट इज यही चीज बताया जाता है, पूरे ईयर के लिए बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट का ये टारगेट है, यहाँ यहाँ पे खर्चा करने वाली है, यहाँ यहाँ से ये रेवेन्यू जो है आएगा। लेकिन बेसिकली जो 2 महीने के जो खर्चे हैं, है ना,
उनको निकालने का और ओवरऑल साल भर गवर्नमेंट क्या खर्चे करने वाली है, कहाँ से रेवेन्यू आने वाला, इन सब चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। और अभी अपना इंटरिम बजट चलेगा, सरकार आ जाएगी, उसके बाद फाइनल बजट आएगा और इसी में चेंजेस करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके, सेम यही रहेगा और थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना फाइनल बजट जो है बच्चों बना दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमारा जो बजट है वो बनाता कौन है, तो बेसिकली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक डिवीजन है हमारे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर में, वो डिवीजन जो है वो बजट को बनाती है, बजट को प्रिपेयर जो है वो करती है। चलो अब बजट के बारे में स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्या क्या नए चेंजेस आए और क्या क्या प्रोस्पेक्टस जो है वो गवर्नमेंट का है ना। तो सबसे पहले जीडीपी की बात कर लेते हैं, तो जीडीपी का बेसिकली 7% से अबव जो है वो इस बार भी रहने की बात जो है कही गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और ये देखो जीडीपी, अब समझ लेते हैं जीडीपी होता क्या है। तो एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जितने भी सर्विसेस या फिर प्रोडक्ट जो बने हैं, है ना, उनका जो ओवरऑल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड अपना जीडीपी, ठीक है। और जिस किसी भी कंट्री का जितना जीडीपी ज़्यादा होगा उतना उसको जो है वो अच्छा माना जाता है, डेवलप्ड जो है वो माना जाता है। तो जीडीपी अपना 7% का टारगेट जो है वो रखा गया है। और देख सकते हैं अपना जो कोरोना का टाइम आया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के आसपास में, 2021-22 के आसपास में, ये बहुत ज़्यादा जो है वो अपना जीडीपी देखो माइनस में जो है जीडीपी चला गया था। और अभी 7% से अबव जो है वो रखने की कोशिश बात जो है वो की गई है, ठीक है। और नॉर्मली अपना जो वर्ल्ड की जो जीडीपी है उससे अबव हमारी जीडीपी जो रहने की बात बताई गई है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है। अब हमारी निर्मला सीतारमन जी ने जीडीपी को भी, जैसे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है ना। और इनका डेफिनेशन ही उन्होंने एक चेंज किया, एक नया डेफिनेशन जो लेके आया, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, लाइक अपना जी फॉर गवर्नेंस, डी फॉर डेवलपमेंट एंड पी फॉर परफॉर्मेंस। तो इन तीनों वर्ड से बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है गुड गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा काम करी है, गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से करने की सोची है, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम करने की जो है वो सोच रही है, और वहीं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात जो है वो कर रही है, ठीक है। चलो आगे अब देखो, जैसे कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पे हमारी निर्मला सीतारमन जी ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक और नया चीज़ ऐड कर दिया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले अगर हम समझ लेते हैं कि अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या, तो किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लाइक अपना किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, और उसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो काम करेगा, उद्यमिता भी इस चीज़ के लिए चाहिए। और उसी के साथ इन्होंने ऐड कर दिया एक अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप आज के समय जो भी पेमेंट्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन वगैरह हो रहे हैं ना, तो इसको भी उन्होंने उसको एक फैक्टर ऑफ, न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहा है, लाइक अपना यूडीपी, यूपीआई और आधार वगैरह। चलो उसी के साथ साथ अब हमारी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, हमारे जो अन्नदाता हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या बात कही है, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया गया है अब तक में किसको, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको 11.8 लाख फार्मर्स को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो है वो पैसे प्रोवाइड किए गए हैं, अब तक उन्होंने उन्हें दिया जा चुका है। और बेसिकली 6,000 रुपये, 2,000 रुपये करके 3 महीने में 6,000 रुपये पर्टिकुलरली जो है वो हमारे फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो किया गया है। उसी के साथ साथ हमारा जो फसल बीमा योजना है उसके तहत 4 करोड़ फार्मर्स को जो है वो इसके अंदर ऐड जो किया गया है, उनके फसल को बीमा जो है वो किया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ ई नमम है ना, ये क्या है अपना, तो जो हमारे किसान के जो फसल्स वगैरह लाइक अपना ई मंडीज वगैरह उन सबको ऑनलाइन किया गया है ना, जिससे कि सेल परचेज उनका काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो बढ़ गया और बेसिकली उनका वॉल्यूम बढ़ करके 3 लाख करोड़ जो है वो हो गया है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो काम किया है। लाइक जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रमोट करेगी, गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्रमोट करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स को और पब्लिक सेक्टर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे किसके अंदर में, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर में। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ होता क्या है, तो लाइक अपना वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग वगैरह जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का,
ताकि जिस समय में जब इनका प्रोडक्शन होता है तो इनकी डिमांड, इनकी जो प्रोडक्शन है वो खूब सारी होती है, जिसके कारण इनका प्राइस जो है बहुत कम होता है। तो इनको स्टोर करके अच्छे से रखा जाएगा और बाद में है ना इनको बेचा जाएगा, ताकि वो इनके नॉर्मल प्राइस पे या फिर ज़्यादा प्राइस पे बेचा जाए और उनको प्रॉफिट जो है मिले। उसी के साथ साथ खेती के अंदर में जो हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह है, खाद वगैरह है ना, उन सबके यूज की बात की गई है। और उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी है ना बनाने की बात की गई है, मतलब गवर्नमेंट जो अपने ऑयल सीड को लेकर के आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। वही डेयरी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पे की गई। उसी के साथ साथ मत्स्य पालन है ना, मछली के पालन के लिए भी जो यहाँ पे बात की गई है। और बेसिकली बोला गया है कि इससे ना ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया जा रहा है और किया जाएगा इसके एक्सपोर्ट के जरिए, किसके, तो मछली के, है ना। इसका नाम क्या रखा गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलो वहीं फिर हम लोगों को यानी युवाओं को के लेकर के क्या बात कही गई, तो बेसिकली उन्होंने बताया गया कि अब तक में है ना अब बेसिकली 1.4 करोड़ यूथ को स्किल जो है वो किया जा चुका है, उनको स्किल्ड बनाया जा चुका है इंडिया मिशन के तहत। एक देखो एक अपना योजना है था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधान PMKVY है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना भी अपना आया था। तो उसी काफ़ी सारी योजनाओं के तहत, स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के तहत जो है वो हमारे युवाओं को स्किल जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और उसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को है ना, जो कि हमारे नए नए यूथ जो है जो बेसिकली स्टार्टअप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको बात किया गया कि 43 करोड़ लोन जो है वो उनको सैंक्शन किया गया है अब तक में। चलो अब आगे देखते हैं। चलो और आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कंपैरिजन बताया गया बेसिकली कि जो हमारी IITs है IIMs पहले कितनी थी और अभी के समय में कितनी जो है वो हमारी IITs है, और ये हमारे पेपर वन हायर एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग जो है एकदम कहीं पे कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो पहले 2014 में हमारे पास 16 IITs थी टोटल इंडिया में, अब जो है वो IITs कितनी हो गई हैं 2023 में 23 IITs जो है वो हो गई हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एम्स की अगर बात करें तो 14 में अपना 7 हमारे पास एम्स थे, और वहीं अभी के समय में 22 एम्स जो है हो गई हैं। और वहीं यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो 2014 में हमारे पास 723 यूनिवर्सिटी थी, अब 2023 में 1113 जो है हमारे पास अभी टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये बता रही हैं कि किस तरीके से 10 साल पहले ये सरकार बनी थी और किस तरीके से क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है, और क्या इनका आगे का फ्यूचर है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है इनका, कि क्या ये चाहती हैं, रोड मैप बेसिकली इस सरकार ने क्या बनाया है उसको बता रही हैं। और उसी के साथ साथ नारी को लेकर के, नारी शक्ति को लेकर के उन्होंने बेसिकली बताया कि 300 करोड़ मुद्रा योजना जो है अभी तक महिलाओं में एंटरप्रेन्योर्स जो है, ठीक है, महिला उद्यमिता जो है उन लोगों को अब तक दिया जा चुका है। और उसी के साथ साथ हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट में 28% के 10 साल में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब कि हायर एजुकेशन वगैरह में महिलाएं जो है वो, लड़कियां वगैरह जो इनरोल नहीं करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और वहीं बेसिकली 43% ऑफ फीमेल इनरोलमेंट इन, जो कि अपना साइंस मैथ की जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में, इन सब कोर्सेज में जो है वो उनकी इनरोलमेंट जो है वो बढ़ गई है। और ये भी बताया गया कि 1 करोड़ वुमेन को अब तक में 83 सेल्फ हाउसिंग ग्रुप, जो कि बेसिकली अपना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत महिलाओं को इतना पैसा जो है वो है ना दिया जा चुका है। चलिए अब ये देखो अपना क्या है, हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना क्लोज द अचीवमेंट टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस, तो उनका 3 करोड़ का जो टारगेट था उन्होंने अचीव कर लिया, पूरा कर लिया है, और अगले 5 सालों में जो 2 करोड़ का और जो है वो टारगेट अपना रखा गया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देखो 2023-24 में टारगेट था उतना कि 79,590 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे, ये बजट का एस्टिमेशन था, ठीक है। और वहीं 2024-25 का अपना एस्टिमेशन है कि ये 80,671 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। चलो आगे अब हेल्थ की अगर हम बात करें तो सर्वाइलिक कैंसर वैक्सीनेशन, जो कि महिलाओं लड़कियों को काफी ज्यादा होता है, इसको लेकर के वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात की गई है। उसी के बाद सक्षम आंगनवाड़ी है ना, इसके अंदर में बच्चों को जो न्यूट्रिशन वगैरह की कमी होती है उन सबको लेकर के बात यहाँ पे की गई है, इसको जो है वो और ज्यादा खर्चा इसमें जो है किया जाएगा। और देखो यहाँ पे यूविन एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने की बात की गई है फॉर इंद्रधनुष मिशन के तहत, ठीक ठीक है। और अगला देखो क्या,
आशा वर्कर्स को लेकर के, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी हेल्प करने की बात यहाँ पे कही गई। अंडर हेल्थ कवरेज जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम, अभी का जो अपना आयुष्मान भारत स्कीम है जिसके अंदर बेसिकली हेल्थ कवरेज दिया गया कि 5 लाख तक का जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट आपको देगी, तो उसके अंदर में हमारी आशा वर्कर्स जो है उन सबको भी ऐड जो किया जाएगा आंगनवाड़ी के वर्कर्स को। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और नए नए इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, और इसका डाटा आप लोग देखिएगा तो बहुत आपको आश्चर्य होगा और मजा भी आएगा एक तरीके से। देखो हमारी गवर्नमेंट ने बोला बेसिकली 3 मेजर कॉरिडोर प्रोग्राम जो है वो आगे चलाया जाएगा, है ना, बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर के और इन सब का जो कॉस्ट होता है उसको कम करने के लिए। बेसिकली हमारे जो कोस्टल एरियाज वगैरह उन सब एरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए स्पेसिफिक उसी एरिया के लिए जो है 3 कॉरिडोर बनाने की बात जो है यहाँ पे की गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि 3 रेलवे कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें FDI को बढ़ाने की बात की गई है। अब FDI क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो डायरेक्ट निवेश हमारे कंट्री में आ रहा है, वो लोग जो हमारे कंट्री में आकर के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपना FDI। तो इसमें भी बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। और उसी के साथ साथ उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट में भी क्या है एक्सपेंशन करने की, डेवलपमेंट करने की बात जो है वो की गई है। और उसी के साथ साथ मेट्रो रेल, है ना, नमम भारत अभियान को लेकर के भी जो है इसको प्रमोट करने की बात जो की गई है। बेसिकली मेट्रो को जो एक्सपैंड किया जा रहा है उसकी बात इसमें की गई कि इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और FDI को डबल करने की बात की गई। तो यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो भी हमारे कॉमर्स के लर्नर्स हैं उनको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और जो हमारे नॉन कॉमर्स के हैं ना वो आप लोग थोड़ा समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि इस देखो एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा और कैपिटल मतलब होता है पूंजी से रिलेटेड। जब हम पूंजी से रिलेटेड खर्चा करते हैं दैट इज अपना कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हमारी सरकार रोड में, रेलवेज वगैरह में, है ना, ब्रिजेस वगैरह बनाने में खर्चा करती है ना, दैट इज कॉल्ड अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी वगैरह उसमें खर्चा किया जा रहा है ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट को आगे चलकर रेवेन्यू मिलता है, लाइक अपना रोड बना दिया, ब्रिजेस वगैरह बना दिए, तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है, ये है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है वो किसी संस्था के लिए, अगर हम कंपनी के टर्म में बात कर ले, अगर हम देश के लिए बात कर ले, तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे पास एसेट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो देखो पहले कितना कम था, लाइक अपना 3 लाख करोड़ था, और अभी के समय में 24-25 में बात किया गया 9 लाख करोड़, और 25 में जो बजटरी एक्सक्यूशन है उसको भी जो पार कर जाए, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की जा रही है, बिल्कुल अच्छा है। और वहीं FDI अपना 2014-15 में, यानी विदेशों से हमारे कंट्री में जो खर्चा किया जाता था, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था उन लोगों के लिए खर्चा है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट जो था वो पहले 298 USD बिलियन डॉलर्स था, लेकिन अभी 2014 से लेकर के 23 तक में कितना बढ़ गया है बच्चों, तो 596 US बिलियन डॉलर जो है बढ़ गया, एटलीस्ट अपना जो है वो बच्चों क्या हो गया, डबल हो गया। और जितना ज़्यादा हमारे पास FDI आएगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री जो ग्रो करेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है, हमारे पास फॉरेन करेंसीज वगैरह जो है वो आएगी। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना डेवलपमेंट किया गया, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखो हाईवेज वगैरह जो पहले कितना किलोमीटर था 2015 में, यानी 97,991 किलोमीटर था, और अभी यानी 2022 में कितना हो गया, तो 1,44,634 किलोमीटर जो है यहाँ पे अपना हाईवे बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करें कार्गो है ना, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट है अपना, एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट है अपना, और एयरपोर्ट देखो अपना क्या है 74 था, और ये अपना 149 एयरपोर्ट जो है अपने हो गए हैं, ठीक है। तो देखो कितना चेंजेस जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इतने थे अब इतने ज़्यादा जो है वो हो गए, तो ये एक तरीके से हमारे लिए गौरव की और गर्व की बात है। वहीं अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट का अपना गोल है कि 2070 तक जो है 0% कार्बन एमिशन कंट्री जो है वो बनना है, इसको लेकर के काफ़ी सारा काम किया है गवर्नमेंट, लाइक अपना CNG घरों घरों तक पहुंचा दिया है ना, BS6 मॉडल भी अपना जो है वो काफ़ी समय पहले लॉन्च कर दिया जा चुका था। रूफ टॉप सोलर सिस्टम की बात यहाँ पे गई कि घरों में है, अभी क्या है कि रूफ टॉप जो अपना सोलर पैनल जो है वो ऑफिसेस वगैरह में लगाया गया, और गवर्नमेंट ने अब बात किया है, इस बार तय कर दिया क्या रूफ टॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल टू ऑप्टेन अप 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो 1 करोड़ घरों में बेसिकली जो रूफटॉप का जो सोलर सिस्टम है इसको लगाने की बात जो है की गई है। उसी के साथ साथ ई व्हीकल को प्रमोट करने की बात जो है वो की गई है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो
बायो फाउंड्री जो है वो लॉन्च करने की बात यहाँ पे की गई, बेसिकली कार्बन एमिशन को कम करने की बात यहाँ पे की गई है, और जो अपना जो इलेक्ट्रिक जो है अपना है ना, उसको नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो है ना उनसे गेन करने की कोशिश की गई, लाइक अपना सन वगैरह से, सोलर से। अब देखो अपना यहाँ पे देखो क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो पहले देखो नॉन फॉसिल फ्यूल से अपना जो 2014 में था 30.4% था, और अभी देखो दो नवंबर 2023 में कितना हो गया, 43.9% जो है वो हो गया परसेंटेज इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि जो जमीन से जो कोयला वगैरह निकल रहा है, जिससे कार्बन बेसिकली एमिशन होता है, इन सबका कम यूज किया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अपनी की जा रही है। ठीक है, ये देखो क्या 10 करोड़ अबव एक्स्ट्रा एलपीजी कनेक्शन जो प्रोवाइड किया गया, लाइक अपना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। वहीं अगर हम बात करें 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब जो है वो दिए जा चुके हैं है ना, 72.7 लाख एलईडी ट्यूब्स वगैरह जो है वो दिया जा चुका है और उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, और 1.3 करोड़ एलईडी जो रोड पे लगाए जा चुके हैं। तो बेसिकली जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको जनरेट करना, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ करने की बात जो की गई है। वहीं देखो अब हम लोग ना थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसको जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अपना जो इंडिया की इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करते हैं ना, इसको देखते हैं हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि अपना जो जीडीपी जो है वो है ना बड़ा है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अपना क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, ये देखो पहले डिक्लाइनिंग सीएडी, सीएडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब बच्चों ये है सिंपली सा कि मैंने 500 रुपये अगर कमाए ठीक है और मेरा इनकम है ठीक है, तो अगर हम कायदे से देखो तो 500 रुपये मेरा खर्चा होना चाहिए या 400 रुपये खर्चा होना चाहिए ताकि मेरी सेविंग हो जाए, या जितना मैंने कमाया उतना मैंने खर्चा कर दिया, इक्वल हो गया। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि 500 रुपये मैंने कमाया और 700 रुपये या 800 रुपये मेरे क्या है, खर्चा है। ठीक है, तो मतलब कि 200 या 300 रुपये जो है हम अभी भी क्या चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, दैट इज अपना है करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये आप लोग देखिएगा तो धीरे धीरे जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा। या देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ट्रेड के मामले में समझे तो हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट किया है हमने, इंपोर्ट मतलब बाहर से हम लोगों ने सामान मंगाया 1200 रुपये का है ना, और यहाँ से सामान भेजा यानी एक्सपोर्ट किया 1000 रुपये का, यानी 200 रुपये अभी भी हम लोग क्या चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। ये है अपना बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट सिंपल सा है कि जितनी हमारी इनकम होगी उससे ज़्यादा हम लोगों ने खर्चा किया और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज कॉल्ड अपना करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट अपना देखो 2024 में जो है वो कितना है, कम हुआ है, 2025 में ज़्यादा था और फिर ये यहाँ पे कम था। तो बेसिकली देखेंगे तो 2024 में जो ये कम है अपना। वहीं अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि अब बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सरकार इस डाटा से शो करना चाहते हैं कि देखो बेरोजगारी किस तरीके से जो है कम होते जा रही है। देखो 2017-18 में बेरोजगारी था 6.1% का, और अभी 2022-23 में जो है अपना 3.2% जो अपनी बेरोजगारी जो है वो रेट है। ठीक है, तो पूरा हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर में किस तरीके से क्या क्या चेंजेस जो है हो रहा है, पहले क्या था और अभी क्या है, पूरा गवर्नमेंट जो है बता रही है 10 सालों में क्या क्या किया है, इन सबको गवर्नमेंट शो कर रही है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांजेक्शन की है ना, तो देखो धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है। 2018 में ये इतना था है ना, और 2024 में देखो ये इतना पहुंच गया है ना, इतना लाख करोड़ जो है, इतने करोड़ ट्रांजेक्शन जो है हमारे बढ़ गए हैं, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि जीएसटी अपना आया था है ना, तो 17 में अपना जीएसटी आया था और उस समय फिर जीएसटी के कलेक्शन वगैरह पे काफ़ी सारा मुद्दा हो रहा था कि जीएसटी जो है वो कलेक्ट नहीं होगा, कम कलेक्ट हो रहा है, जो भी है। अब देखो जीएसटी का कलेक्शन किस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, देखो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 0.9 लाख करोड़ था और अभी 2024 में ये 1.7 लाख करोड़ जो है वो हो गया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है ना, अब महंगाई पे देखो किस तरीके से कंट्रोल किया गया। 2014 में फाइनेंशियल ईयर जो अपना 2014 था वो कितना था, उस समय में 9.4% था अपना इन्फ्लेशन, और अभी 2025
24 में अपना इन्फ्लेशन रेट कितना है, 5.5% जो अपना इन्फ्लेशन रेट है, देखो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। और ये ग्राफ से आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट जो है अपना किस तरीके से इस बार ग्राफ से कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे फिर से जो अपना कम है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यू रिसिप्ट है और कितने एक्सपेंडिचर्स है, और बेसिकली कितना एक्सपेक्टेड किया गया है, कितना था। अब यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली जो है वो डेली डे टू डे की जो अपनी एक्टिविटीज जो कि रेकरिंग नेचर की है ना, दैट इज रिसिप्ट अपना जो अपना रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। मतलब कि रोज के दैनिक जीवन में जो हमारे पास इनकम वगैरह आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की, वैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास इनकम वगैरह जो आया जा रहा है, लाइक अपना टैक्सेस वगैरह से जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, है ना, जो भी हम लोग जो टैक्स पर भर दे रहे हैं, रोड वगैरह पे जो चलान वगैरह कट जाता है, उन सब से जो हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास इनकम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अपना रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो 2022-23 में 23.8 था, है ना, और 2023-24 में, और ये 24-25 में 30 लाख करोड़ जो है वो रखा गया कि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, है ना। और अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, मतलब गवर्नमेंट जो डेली जो खर्चा करने वाली है, जिससे कोई इनकम वगैरह नहीं होने वाला है, ये अपना खर्चा हो जाएगा। जैसे कि एक बिजनेस को रन करने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, है ना, वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम बिजनेस के सेंस में समझे तो, है ना, लाइक जैसे कि पेंशन वगैरह देना, है ना, स्कीम्स वगैरह में खर्चे करना, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं उसमें खर्चा कर दिया, पेंशन दे रही हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है उनको सैलरी दे रही हैं, ये सारे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो है वो कहलाते हैं। तो देखो पहले ये 2022-23 में इतना था, है ना, 3.4 लाख करोड़ था, और अभी 2024-25 में जो एक्सपेक्टेड है बजट का जो एस्टिमेशन लगाया गया है वो लगाया गया है 3.6 करोड़। अब देखो यहाँ पे, सॉरी 36.5 करोड़। अब देखो यहाँ पे मैं डेफिसिट बताता हूँ। अभी हम लोग देखा ना करंट अकाउंट डेफिसिट समझा था, तो अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रेवेन्यू नेचर का ही है। अपने करंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ही सारे एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह जो है शो किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास टोटल इनकम की अगर बात करें, जो कि गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह से, जो कि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं या जो चलान वगैरह करते हैं, उन सब से अगर इनकम की बात करें तो 30 लाख करोड़ है, और खर्चे की अगर बात करें तो 36.5 लाख करोड़ है। मतलब कि जो 6.5 लाख करोड़, यही तो है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, या फिर ट्रेड जो हम लोग अपना इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वहाँ से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा अपना बच गया, है ना, जो कि हम लोग को अपने रिजर्व से पे करना पड़ जा रहा है, दैट इज़ अपना वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली वगैरह जो अपने कैपिटल्स जो है वो बेचती है, लाइक अपना गवर्नमेंट के पास जो फैक्ट्रीज वगैरह है, गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उन सबको बेच दी, बाहर से कोई लोन वगैरह उठा लिया, है ना, तो इन सब से जो भी पैसा आता है डेट इज कॉल्ड अपना कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, और वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट जो रोडों पे खर्चा कर रही है, जो ब्रिजेस बना रही है, जो हॉस्पिटल्स कॉलेजेस वगैरह बना रही है ना, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है ना, पुल्स वगैरह बना रही है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है, तो वो सब खर्च, वो सब जो रेवेन्यू है अपना, है ना, वो अपना कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो 2023-24 में 17.6 लाख करोड़ जो है इसकी एस्टिमेशन की बात की गई है। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 24-25 में 15 लाख करोड़ जो है वो इसको इतना जो है वो रखा गया है, इतना एक्सपेक्टेड है कि इतना खर्चा किया जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, इसकी लिस्ट को भी हम लोग देख लेंगे। अब थोड़ा सा टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, और सभी लोग इसको जानने के लिए एकदम उत्साहित रहते हैं कि इस बार का टैक्स स्लैब रेट क्या है, टैक्स स्लैब रेट में चेंजेस तो नहीं हुए, हमें कितना टैक्स मिलेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स रेट में मतलब स्लैब वगैरह में कोई चेंजेस तो नहीं हो गया। तो आप लोग को जान के ये बिल्कुल खुशी होगा कि जैसा अपना टैक्स रेट चल रहा था, सेम वही टैक्स रेट अपना जो चलता रहेगा। और यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ बताया गया कि गवर्नमेंट पहले चाह रही थी कि कुछ लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर 2010 में, 9-10 में या फिर 11-12 में टैक्स जो है वो पे करना था, उन सबको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। इससे करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप उस समय के टैक्स कैटेगरी में आते हैं कि 2009-10 में आपने कोई टैक्स पे ना किया हो, है ना, या 11 से लेकर 15 में कोई टैक्स पे ना किया हो, तो फिर आपको इस समय गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, आप रिलीफ हैं। वहीं गवर्नमेंट ने जो बेसिकली जो कुछ कुछ स्टार्टअप वगैरह थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे, उन सब की डेट जो है वगैरह ख़त्म होने वाली थी रिलीफ की, अब उसको भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, टैक्स एग्जम्पशन जो है वो कर दिया गया है। चलिए
अब देखो अपना जो टैक्स रेट है एज इट इज सेम ही अपना रहा है। देखो क्या रिटेंशन सेम टैक्स रेट अपना रखा गया, लाइक अपना फॉरेन डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली जो हम लोग जो सैलरी से अपना टैक्स वगैरह पे करें दैट इज अपना डायरेक्ट टैक्स हो गया, और वहीं जीएसटी वगैरह जो है वो क्या हो गया अपना इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया, जो कि हम लोग ना पे करके हमारे बदले में कोई और जो है वो पे करता है। लेकिन हम लोगों ने दुकानदार को सामान खरीदा, दुकानदार को पैसा दिया और वो पैसा फिर दुकानदार जो है जमा कर रहा है, तो दैट इज अपना जीएसटी सॉरी जीएसटी और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर जिसको कहा जाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स अपना 22% जो है एग्जिस्टिंग रखा गया है फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी एंड 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो कोई भी नई स्टार्टअप्स वगैरह है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स अपना 15% और जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी है उसके लिए 22% टैक्स जो है वो रखा गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स पेयर विथ इनकम अप टू 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। देखो अपना पहले ओल्ड टैक्स रिजिम चलता था, अब नया टैक्स रिजिम आया तो उसके तहत जो नई टैक्स रिजिम है उसके तहत बताया गया है कि 7 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर बेसिकली अगर इसके इससे भी ज़्यादा इनकम है लाइक अपना 8 लाख 9 लाख रुपये अगर आपका इनकम है तो भी आप गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट करके उस टैक्स को भी जो है बचा सकते हैं। अब देखिए टोटल बजट की अगर हम साइज की बात कर ले तो 47.6 लाख करोड़ जो है अपना इतना बजट की बात जो है यहाँ पे की गई है। अब देखो यहाँ पे ये अपना कैपिटल रिसीट है, यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आएगा लाइक अपना 17.6। तो बेसिकली ये अपना साइज है हमारी सरकार का, सरकार के एक्सपेंसेस का। और इसी के अंदर में अपना कैपिटल रिसीट की अगर हम बात कर लें तो 17.64 जो गवर्नमेंट को कैपिटल तौर पर आएगा, कैपिटल नेचर का आएगा, मतलब कि गवर्नमेंट अपना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो फर्म वगैरह को अपना क्या करें सेल वगैरह करें, या फिर ये देखो नेट टैक्स रिसीट की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह है वहाँ से अपना ये गवर्नमेंट के पास आएगा। और ये सारे अपने सोर्सेस हैं कि इस जगह से इतना इतना पैसा जो आएगा। और इस साल का अपना बजट की अगर हम बात करें है ना, जो कि अपना कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का, गवर्नमेंट जो खर्चा करने वाली है वो है कितना 47.6 लाख करोड़। चलो अब हम लोग यहाँ देखो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि बेसिकली ये जानने वाली चीज़ है कि सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है उसको तो हमने देख ही लिया, और रियल में है ना किस किस सेक्टर से कितना आ रहा है इसको हम लोग समझेंगे, और किस किस सेक्टर्स में कितना जाएगा इसको हम लोग जो अच्छे से समझेंगे। लाइक अपना रुपए कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास 2024-25 में कहाँ से आएगा। देखो कॉर्पोरेट टैक्स अगर हम बात करें तो 17, देखो अगर गवर्नमेंट के पास बच्चों 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये अगर गवर्नमेंट रिसीव कर रही है ठीक है, तो इसमें से 17 पैसा यानी 17 रुपये की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा, मतलब जो हमारी कंपनीज वगैरह हैं उनसे टैक्स लेगी 17 का ठीक है। और वही इनकम से अगर हम बात करें तो 19 रुपये ठीक है, और बोरोविंग्स और अदर लाइबिलिटीज के पास गवर्नमेंट जो उधार वगैरह लेती है वहां से गवर्नमेंट के पास से कितना आएगा बेसिकली 28 रुपये ठीक है। तो ये अलग अलग चीज जो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है तो बोरोविंग्स वगैरह से जो गवर्नमेंट के पास आता है। उसके बाद हम बात करें तो इनकम टैक्स से आता है, उसके अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता है, और उसके अलावा कस्टम से हैं, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, अदर जीएसटीज वगैरह से है ना, डबल कैपिटल रिसीट नॉन डेट कैपिटल रिसीट से, और ये अपना नॉन टैक्स रिसीट से अपना लाइक अपना डिविडेंड वगैरह जो है वो सब इसके अंदर आता है। तो ये पूरा 100 रुपये अगर गवर्नमेंट के पास आए तो कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है ये शो कर रहा है ये पूरा हमारा पाई चार्ट जो है। वहीं अगर हम बात करें पैसा कहाँ जाएगा है ना, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है, देखो तो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल स्कीम्स के प्रोग्राम है उसके अंदर में गवर्नमेंट अपना 100 रुपये में बच्चों 16 रुपये जो है वो खर्चा कर देती है। वहीं अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट वो 20 रुपये कर देती है, मतलब कि गवर्नमेंट का जितना देखो हमेशा हम लोग जानने की गवर्नमेंट की इनकम कम है लेकिन उससे खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है खर्चे को करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है बोरोइंग्स वगैरह ले रही है ना, चाहे वो अपना वर्ल्ड बैंक हो चाहे अदर कंट्रीज हो कहीं से भी जो है वो अपना बोरोइंग्स ले रही है, तो इस बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो यही अपना 20 रुपये वो इंटरेस्ट पे कर देती है 100 रुपये में, 16 रुपये वो अपने सेंट्रल स्कीम्स के प्रोग्राम जो उस पर खर्चा कर देती है, 8 रुपये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उस पर खर्चा कर देती है ना, लाइक अपना देखो यहाँ पे क्या है देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडीज वगैरह, तो सेंट्रल स्कीम्स के जो प्रोग्राम है उसके ऊपर खर्चा कर रही है, और डिफेंस के लिए अलग से अपना देखो डिफेंस के लिए अगर हम बात करें तो 8 रुपये 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 8 रुपये वो क्या कर रही है अपने डिफेंस के लिए खर्चा कर दे रही है, अपने आर्थिक सहायता दे दे रही है हम लोग को जो LPG में जो सब्सिडी मिलता है और अदर जो सब्सिडी मिलती है उन सब का पैसा कहाँ से आता है
तो यहीं से आता है पैसा अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन है, अदर ट्रांसफर्स है ना, स्टेट को वो देती है 20 रुपये। तो गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस वगैरह से जो भी इनकम होता है तो उसका 20 रुपये यानी 20% की अगर हम बात करें तो वो अपने स्टेट को दे देती है। और देखो पेंशन जो पे करती है ना उसमें 4% है ना वो पे कर देती है। और वहीं अगर हम बात करें तो अदर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पास कितने हैं, 9 रुपये, यानी 100 रुपये अगर वो खर्चा करती है। तो ये ओवरऑल हमने इसको समझा कि अपना कहाँ से इनकम आता है और कहाँ से खर्चा होता है। और उसी के बाद मेजर हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कितना पैसा जो है खर्चा करने वाली है। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज लाइक अपना डिफेंस के लिए है ना 6.2 लाख करोड़ जो है निकाला गया हमारी डिफेंस को, आर्मीज वगैरह को, हमारी है ना नेवी को और जो हमारी एयरफोर्स है, मतलब पूरे डिफेंस पे 6.2 करोड़ इस बार खर्चा किया जाएगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे पे 2.78 करोड़ खर्चा करने की बात जो है वो रखी गई, यानी एक्सपेक्टेड है अपना। वहीं रेलवे पे 2.55 CR है लाख करोड़, याद रखिएगा आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू 2.13 लाख करोड़। और वहीं अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.77 लाख करोड़। उसके बाद फिर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1.6 लाख करोड़। कम्युनिकेशन है ना लाइक अपना दूरसंचार जो है अपना, उन सबको लेकर के 1.37 लाख करोड़। और उसी के बाद नेक्स्ट है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके लिए 1.27 लाख करोड़। तो ये पूरा आज का अपना ओवरऑल बजट था, ये अपना बजट है पूरा, इस जगह पे इतना खर्चा हुआ, इस जगह से इनकम आएगा, कैपिटल हमने समझा, रेवेन्यू समझा और काफ़ी सारी नई चीज़ें हम लोगों ने इस सेशन में जो है समझी। तो और देखो एक चीज़ और अपना यहाँ पे है, देखो कौन कौन से स्कीम्स में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है, लाइक इसको भी हम लोग देख लेते हैं है ना। तो देखो क्या, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो अपना मनरेगा चलता है ना, उसके अंदर में पहले 2023-24 में एक्सपेक्टेड था 60 करोड़ और अभी का 2024 पर का रखा गया है 86 करोड़। वहीं अगर हम बात करें अपना जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री का जो योजना है ना, आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है ना कि जो भी खर्चा हुआ गवर्नमेंट उठाएगी, उसमें 2023-24 में एक्सपेक्टेड था 72,000 करोड़ और वहीं अभी रखा गया है 75,000 करोड़। और यहाँ देखो सोलर ग्रिड को लेकर के इतना खर्चे की बात की गई है, हाइड्रोजन मिशन को लेकर के बेसिकली सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो 4,970 करोड़ की अगर बात की गई है इतना खर्चा किया जाएगा और वो बढ़ा दिया गया है इस बार कितना 85,000 करोड़, ठीक है। और वहीं अपना हाइड्रोजन से जो हम लोग मिलेगा उसको भी बढ़ा दिया गया है, खर्चा करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज इसके इस सेशन में हम लोगों ने ओवरऑल बजट के बारे में समझा कि बजट क्या है, कैसे है, सब चीज़ अच्छे से डिटेल हमने समझा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और उसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।